वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने धो लिया है। अब इनको हम छील लेते हैं। इसको हमने छील लिया है, अब इसको हम काटेंगे। इसको हम इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में काटेंगे। ना हमने ज़्यादा इसको पतला काटना है ना ही ज़्यादा हमने मोटा, तो इस तरह से हम काट लेते हैं। ये देखिए हमें इस तरह से इसके पीसेस करने हैं। तो अब हम सारे आलू को इस तरह से ही काट लेते हैं। ये सारे आलू को काट लिए, अब इसको हम धो के एक बड़े पतीले में रखेंगे। आलू को हमने धो लिया, अब इसको हम पतीले में रखेंगे। यहाँ मैंने पतीले में पानी लिया है, अब इसमें हम आलू डाल देंगे। अब आलू को हमने पतीले में डाल लिया है, अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और आधे घंटे के लिए हम इसको इसी में रहने देंगे। अब हमारे आलू को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे। अब आलू का हमने सारा पानी को छान लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब इसको हम बर्तन में डालेंगे। एक बर्तन लिया, अब आलू को इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम आधी कटोरी अरारोट डालेंगे, अगर हमें और जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें और डालेंगे। और 4 चम्मच हम सूजी डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से टॉस करेंगे जो मसाला है अच्छी तरह से आलू को लग जाए। अच्छी तरह से हमने मसाले को लगा लिया है, अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके आलू डालेंगे। तेल है जो फुल गर्म होना चाहिए। अब इनको हम थोड़ा फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अब इनको हम पलट लेते हैं, इनको हम अच्छी तरह से गोल्डन कर लेंगे। अब इनको हम फ्राई होने देते हैं अच्छी तरह से। पहले हम इसको हाफ फ्राई करेंगे, अब इनको हम निकाल लेते हैं, इसको हम दोबारा से फ्राई करेंगे। पहले हम सारे आलू को हाफ फ्राई कर लेते हैं। अब इनको हम दोबारा से फ्राई करेंगे, ये ठंडे हो चुके हैं और तेज गैस करेंगे। गैस को हमने तेज ही रखना, तो इनको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब हमारे आलू हैं जो फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो चुके हैं, अब इनके ऊपर हम चाट मसाला डालेंगे। अब हमारे फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।